ऐसे बनेगा तू एम्प्लॉई ऑफ द मंथ? सिर्फ 80% टारगेट अचीव किया तूने अब तक, सिर्फ 3 दिन बचे महीना खत्म होने में। भैंचो कुछ तो शर्म कर, अपनी नहीं तो मेरी रेपुटेशन का तो ख्याल किया होता। मेरी टीम का बंदा सिर्फ 80 पर बैठा हुआ है, मैं क्या जवाब दूंगा अपने सीनियर्स को? विवेक सर, पाइपलाइन में पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं, फॉलोअप चालू है, होपफुली टारगेट अचीव हो जाएगा। होपफुली? अभी पोटेंशियल क्लाइंट्स बिजनेस नहीं देते। सिर्फ पोटेंशियल क्लाइंट का अगर 30 तारीख तक ऑर्डर नहीं आया तो क्या इसका मैं अचार डालूंगा? आई वांट नंबर ऑन बोर्ड, कंफर्म नंबर, पोटेंशियल नंबर नहीं। यस सर, मैं फॉलोअप करूंगा, श्योरली कन्वर्ट हो जाएगा। करूंगा नहीं, करो, अभी जाके करो। मुझे फ्यूचर का रिजल्ट नहीं देखना, मुझे प्रेजेंट का रिजल्ट देखना है। ये सर, मैं फॉलोअप करके अपडेट देता हूँ थोड़ी देर में। यहाँ से फॉलोअप करेगा? नहीं सर, मैं जाता हूँ, मुझे रिजल्ट चाहिए जल्दी। और भाई, आया स्वाद, आया मजा, सजवा लिया अपना पिछवाड़ा। देख, पहले बॉस ने मारी, अब क्लाइंट मरवा रहा है, तू ये अपने शॉप का पिटारा ना कहीं और लेके निकल। अबे चिल ब्रो, मंथ एंड है, 3 दिन बचे हैं, और बॉस की तो आदत है बच्चोदी करने की। मंथ एंड होते ही बॉस के पिछवाड़े में टारगेट अचीव करने की आग लग जाती है, और सेकेंड या थर्ड ऑफ नेक्स्ट मंथ तक तो ठंडी भी पड़ जाती है। साला खुद तो एसी केबिन में बैठा रहता है और हमें चप्पल घिसने भेज देता है क्लाइंट के पास। अबे चूतिए, यही तो अपना जॉब है। अबे माना यही जॉब है, लेकिन आकर थोड़ा बहुत सपोर्ट तो कर सकता है ना यार। अबे तेरा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि उसके जैसा चूतिया इंसान मेरा बॉस है। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि अगर 2 मिनट भी ऑफिस में सुकून से बैठूं तो उससे देखा नहीं जाता, 2 मिनट भी खाली बैठा तो सरकास्टिक टोंट मारना शुरू। कंपनी पगार तुम्हें फोकट बैठने के लिए नहीं देती, काम करो, खाली मत बैठो। अबे घंटा साला, गलती से भी अगर आलस देते हुए देख लिया या कॉफी ब्रेक में देख लिया तो ऐसे घूरता है जैसे उसके पगार से मेरे कॉफी के पैसे जा रहे हों। एक तो जब भी मुंह खोलता मन करता है मुंह में ठूस दो कुछ उसके, जब देखो डिमोटिवेट करता रहता है यार साला। ना तो पर्सनल लाइफ बची है ना ही प्रोफेशनल लाइफ में कुछ बचा है। अबे रात को सपने में भी ना क्लाइंट आके प्रोडक्ट के डाउट पूछता है मुझसे। लड़कियों के साथ डेट पर जाने के सपने की जगह मैं क्लाइंट के डाउट सॉल्व करने बैठता हूँ। और ये भैंचो, ये क्या नहीं बकचोदी पढ़ ली है, इंसेंटिव का फॉर्मेट ही चेंज कर दिया। इंसेंटिव स्ट्रक्चर चेंज हो गया, ये कब हुआ? बेटा ऑफिस में शॉपिंग साइट सर्व करने की जगह कभी ईमेल ठीक से चेक किया करो। यहाँ जो इंसेंटिव के नाम पे मूंगफली मिल रही थी ना, अब उसे भी मिलने में 3 महीने लगेंगे। चोद पता नहीं यहाँ मैं ऑफिस में इस कंपनी में 3 महीने टिकूंगा कि नहीं, ये तो पता नहीं, लेकिन इस इंसेंटिव के चक्कर में अभी 3 महीने मुझे और यहाँ झक मार के रुकना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ भैंचोद, ये मैनेजर लोगों ने ना HR के साथ मिलकर एक नया स्कैम रचा है रिटेंशन रेट बढ़ाने के लिए, ताकि जब बंदा छोड़ के जाने के बारे में सोचे भी तो इंसेंटिव के चक्कर में 3 महीने एडिशनली और रुक जाए। और अगर तुम इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए परफॉर्म मत करो तो ये तुम्हें वैसे भी निकाल ही देंगे। अ हैप्पी बॉस इज अ मिथ, मैं बोल रहा हूँ भैंचोद, इनको कोई खुश नहीं कर सकता। भाई मिथ तो है, पिछले 3 साल में मैंने भी एक्सपीरियंस किया। अब कम टारगेट अचीव करो तो कहते हैं तुमसे तो कुछ होता ही नहीं है, टारगेट 100% अचीव कर लो तो कहते हैं तुम में तो ज़्यादा अचीव करने की भूख ही नहीं है और अचीव करो। अबे यार प्रेजेंट टारगेट अचीव करने के चक्कर में पिछले 1 महीने में मेरा पिछवाड़ा घिस चुका है। लेकिन ये भैंचूद इतने स्मार्ट हैं कि पहले से ही हाई टारगेट सेट कर देते हैं ताकि बंदा कुछ भी करके उसे अचीव ना कर पाए। इंसेंटिव का गाजर तो ऐसे दिखाते हैं जैसे बहुत ईजिली अचीवेबल हो और हम ही कुंभकर्ण की औलाद बनकर आलसी बने बैठे हो, लेकिन उस गाजर को पाने के लिए कितने क्वालिटी टेस्ट और पैरामीटर्स को क्लियर करना पड़ता है ये सिर्फ एक सेल्स एग्जीक्यूटिव ही जानता है। इनकी पूरी कोशिश होती है कि इंसेंटिव का कुछ शेयर तो इनकी कंपनी में वापस आना ही चाहिए। अबे मुझे तो लगता है ना कि मैनेजर को पगार हमें ट्रेन करके सपोर्ट करने की नहीं बल्कि हमारे टारगेट्स में फॉल्ट ढूंढ के उनको हाईलाइट करके इंसेंटिव काटने की मिलती है। हाँ भाई, और एक तो सैलरी ब्रैकेट में पहले ही डिस्क्रिमिनेशन करके रखा है, पहले कॉलेज वालों ने चूतिया काटा और अभी कंपनी वाले उनकी कमी पूरी कर रहे हैं। ग्रेड ए ग्रेड बी कॉलेज के चक्कर में काबिलियत होने के बावजूद सैलरी ब्रैकेट अलग अलग है यहाँ पे। वो देख उस चूतिये को, साले को सेल्स करना तो दूर की बात, क्लाइंट से ढंग से बात तक करना नहीं आता, लेकिन हम सबसे 4 लाख से ज्यादा पैकेज है उसकी।
क्यों? क्योंकि रट्टा मार मार के ग्रेड ए कॉलेज से एमबीए कर लिया। अबे मैं मारवाड़ी हूँ भाई, सेल्स और धंधा तो मेरे खून में है। सोचा था बेचना तो अपने को आता ही है, थोड़ी बहुत कोर मार्केटिंग की नॉलेज लेकर एक्सपीरियंस लेकर खुद का स्टार्टअप चालू करूंगा। लेकिन क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव और रिलेशनशिप मैनेजर के नाम पे भैंचोद यहाँ सेल्स करना पड़ रहा है, वो भी उस चूतिए से कम सैलरी पर। अबे कोर मार्केटिंग की जॉब मिलना कहाँ आसान है, हर कंपनी चूतिया काटने पे तुली हुई है। मार्केटिंग से पहले सेल्स आना जरूरी है। अबे घंटा, यू नीड इट। ये कॉलेज वाला चूतियापा तो मेरे साथ भी हुआ है, और मेरा कॉलेज ग्रेड सी में आता है। उस साले चूतिया से बेटर तो नंबर मेरे हैं, और उससे बेटर सेल भी करता हूँ, और फिर भी साला कांडू मेरे से 3 गुना ज्यादा पगार वो लेके जाता है। झांट।